नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी अभिभावक जी व भैया बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा उदय, विषय अंग्रेजी। पिछले वीडियो में हमने ए से यू तक वर्णमाला का अभ्यास किया। आज हम वी से जेड तक वर्णमाला का अभ्यास करेंगे। ये क्या है? वी। क्या है? वी। वी फॉर वायोलिन, वी फॉर वायोलिन, वी फॉर वायोलिन। वायोलिन यानी गिटार, वायोलिन यानी गिटार, इसको गिटार कहते हैं। ये संगीत में काम आता है। जब हम गाना गाते हैं उस समय इसको बजाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? गिटार। इसको क्या कहते हैं? गिटार। और ये क्या है? वी। वी के बाद में क्या आता है बताओ? डब्लू। ये क्या है? डब्लू। डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच। वॉच यानी घड़ी, वॉच यानी घड़ी। घड़ी दो प्रकार की होती हैं, एक हाथ पर बांधी जाती हैं और एक घरों में दीवारों पर टांकी जाती हैं। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वॉच। वॉच यानी घड़ी। घड़ी हमें समय बताती हैं। घड़ी क्या बताती हैं? समय। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉच। वॉच यानी घड़ी, वॉच यानी घड़ी। भैया बहनों को घड़ी बांधने का बहुत शौक़ होता है और वो अपने हाथों पर घड़ी बांधते हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉच। डब्लू के बाद में क्या आता है? एक्स। क्या है ये? एक्स। ये क्या है? एक्स। एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्समस ट्री। एक्समस ट्री यानी क्रिसमस पैड, एक्समस ट्री यानी क्रिसमस पैड। एक्स के बाद में क्या आता है जल्दी बताओ? वाई। क्या आता है? वाई। ये क्या है? वाई। क्या है? वाई। क्या है ये? वाई। वाई फोर याट, वाई फोर याट, वाई फोर याट। याट यानी क्या होती है? नाव। याट यानी क्या होती है? नाव। नाव को नौका भी कहते हैं, नाव को नौका भी कहते हैं। और ये पानी में तैरती हैं। ये कहाँ तैरती हैं? पानी में। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? याट। याट यानी नाव, याट यानी नाव। और इसको हिंदी में नौका भी कहते हैं। अब देखो आगे सबसे अंतिम वर्ण, देखो ये क्या है? जेड। क्या है? जेड। जेड इसको, ये क्या है? जेड। जेड यानी जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा यानी धारीदार गधा, धारीदार गधा। और इसको खच्चर गधा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खच्चर, खच्चर गधा कहते हैं। देखो इसकी धारियाँ लगी हुई ना, इसको इसलिए धारीदार गधा कहते हैं। मैं सभी अभिभावक जी से यही निवेदन करती हूँ कि आप घर पर भैया बहनों को ए से जेड तक वर्णमाला का अभ्यास कराएं। आज हमने वी से लगाकर जेड तक वर्णमाला का अभ्यास किया। वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। आप भी घर पर भैया बहनों को चित्र बताकर उनका अभ्यास करावे। नमस्कार।